हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। वेलकम टू माय चैनल पिंक सिटी गार्डन। आज मैं अपने पुराने गार्डन में आई हूँ, जयपुर वाले में, यानी कि मेरे इन लॉज हाउस में। तो बहुत याद आ रही थी बरसात में, बहुत अच्छा गार्डन हो रहा है। और नए गार्डन के लिए मुझे ले आना था एलवेरा, तो यहाँ पे एलवेरा के प्लांट बाहर वाले फ्रंट वाले गार्डन में भी दो तीन लगे हुए हैं, और ये गमले में लगे हुए हैं जैसे कि दो। तो ये इस छोटे से पॉट में दो जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और एक छोटा जो है छोटू राम वहाँ लगा हुआ है। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको निकालने की, और इसको मैं इसमें निकाल कर ले जाती हूँ। तो उसके लिए मेरी मिट्टी देखिए, ये बारिश से गीली बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और इसमें वही है जैसी मिट्टी मैं बनाती हूँ, बस इसमें गोबर खाद नहीं डाली हुई, बाकी वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट सैंड जो भी मैं डालती हूँ। तो हम इसको ट्रांसप्लांट करूँगी मैं इसको, तो मैं आपको बताती हूँ इसको ट्रांसप्लांट मैं कैसे करूँगी। तो मैं इसको ही निकालने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, और अगर ये नहीं निकला तो एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एकदम नीचे करके ऐसे टूल को डालिए, थोड़ा हिलाना पड़ेगा, थोड़ी सी रूट्स जो हैं इसकी खिंच तो रही हैं, लेकिन बरसात है, लग जाना चाहिए वैसे। ये देखिए, ये निकल के तो आ गया। अब मैं इसमें स्पेस बना लेती हूँ इसका। और ये जो है, मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी अगर ये लग जाएगा तो, क्योंकि रूट्स तो थोड़ी सी टूट ही गई हैं, लेकिन वेदर जो है बारिश के मौसम में क्या है, ट्रांसप्लांट और कटिंग लगना ईजी हो जाता है। और ये हार्डी प्लांट्स हैं, अगर रूट्स थोड़ा सा हो भी गई हैं तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले एक छोटा किया था, जैसे वो एक छोटा सा है ना, उसको किया था। तो अभी ये थोड़ा बड़ा है, तो देखते हैं, लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, ये था ट्रांसप्लांट करना। तो मैं इसकी वीडियो जो है 1 वीक बाद डालूँगी, क्योंकि मुझे पहले मैं खुद देख लूँ कि मैंने इसको जो ट्रांसप्लांट किया है, उससे जो इसके रूट्स जो है थोड़ा सा खिंच गई हैं, थोड़ा सा डैमेज हो गई हैं। तो अगर ये हार्डी प्लांट से चल जाना चाहिए, और अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाए, अगर ये मर गया तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, और अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, तो मैं ये वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फिर आप भी एलोवेरा को, और एलोवेरा का जो बड़ा प्लांट हो चुका हो उसको भी इस तरह से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, बाय।